हेलो एंड वेलकम टू विजन आईएसवी प्रयागराज। शंकर आईएस एनवायरनमेंट सीरीज में बायोडायवर्सिटी का ये तीसरा लेक्चर है और हम लोग आज रेड डेटा बुक के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो देखिए, रेड डेटा बुक के संदर्भ में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। जो चैट बॉक्स है उसमें मैं लिंक बाद में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, IUCN की जो वेबसाइट है उसके PDF के संदर्भ में, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। हालांकि मैं मेरे पास रेडीली अवेलेबल है PDF। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उसकी वेबसाइट से ये जो है ये मैंने डाउनलोड कर रखा है और मैं इसकी लिंक जो है अभी शेयर कर दे रहा हूँ। ये देखिए, जो लिंक है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की है, इसको जरूर देख लीजिएगा। इसमें एक ब्रोशर है और उस ब्रोशर में जो है भारत में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। और एक और लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, और ये IUCN का ब्रोशर है, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है उसका ब्रोशर है, और इसको भी मैं नीचे ही पेस्ट कर दे रहा हूँ। दोनों लिंक साथ साथ पेस्ट कर दे रहा हूँ और आप लोग देख लीजिएगा और इसको अपने हिसाब से डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि इसमें से कम एक जो भारत सरकार वाली है उसकी तो मैं चर्चा आपके साथ करूंगा ही करूंगा बाद में। तो ये दो लिंक मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिए आप लोगों के लिए, उपयोगी समझिएगा तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और उपयोगी है कम से कम ये जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की जो ब्रोशर है ये वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, और इसकी लिंक जो है नीचे चैट बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। श्रेया गुप्ता, सौरभ यादव, अखिलेंद्र प्रताप सिंह, अवनीश तिवारी, वेलकम ऑन बोर्ड, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये दोनों लिंक बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट जो इस समय आपके पटल पर दिखाई दे रही है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया, इसमें से आप देखिए कि क्वेश्चंस आते रहे हैं। ये देखिए जॉर्डन कोर्सर है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। फॉरेस्ट आउलेट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। व्हाइट बेलीड हेरॉन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। फिर वल्चर्स के ऊपर क्वेश्चन आते ही रहे हैं, आप जान ही रहे हैं कि एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। फिर इसके बाद फिर अगर आप देखें तो मैमल्स में पिग्मी हॉग जो बौना सुअर है उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। घड़ियाल के ऊपर अभी पिछले ही साल क्वेश्चन आया था। लेदर बैक टर्टिल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, और लेदर बैक टर्टिल से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कह सकते हैं ओलिव रिडले जो सी टर्टल्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन है। फिर इसी तरीके से अगर आप ये देखिए, ये ओलिव रिडले सी टर्टल्स हैं, उनके चित्र यहाँ पर जो है प्रदर्शित किया गया है। तो ये जो है भारत में जो बर्ड्स हैं, जो मैमल्स हैं, जो फिश हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, इनकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज की सूची यहाँ पर दे रखी है, और इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि अक्सर इसमें से क्वेश्चन आते रहे। तो इस लिस्ट के बारे में मैं चर्चा आपसे करूंगा बाद में। इस लिस्ट को शेयर मैंने पहले ही इसकी लिंक शेयर कर दी है, दोनों लिंक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से देख लीजिएगा। बहरहाल आज हम लोग पहले IUCN के जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, जो रेड डेटा बुक है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो उसके बारे में चर्चा करने से पहले आपको ये बता दूँ कि रेड डेटा बुक में जो क्लासिफिकेशन है, जो जो उनका जो वर्गीकरण है, उसके मानक समय समय पर बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक मानक आज पढ़ लिया है तो वो मानक जो है सदैव के लिए रहेगा, ये मानक है और ये बदलते रहते हैं, समय समय पर इनमें बदलाव होता है। तो आपने लोगों में से जिन लोगों ने मेरे पहले जो है ऑफलाइन क्लासेस कर रखी होंगी उसमें मैंने रेड डेटा बुक को क्लासीफाई कर रखा था, थोड़ा सा परिवर्तन है वहाँ पर जो सूचना है और इसमें जो सूचना है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ही बहुत परिवर्तन है, कोई बहुत मेजर परिवर्तन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से इसको देख लेते हैं। तो देखिए, रेड डेटा बुक जो है वो जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में मॉर्गेस में है,
वहां पर जो है वहां से इसको इशू किया जाता है, और पहली बार रेड डाटा बुक जो है 1966 में स्पेशल सर्वाइवल कमीशन के द्वारा जो है जारी की, और फिर ये समय समय पर रिवाइज होती रहती है। और इस बुक में पूरी दुनिया में ऐसे जंतु, वनस्पति और ऐसे अन्य जीवधारी जो संकटग्रस्त हैं, जिनके आप कह सकते हैं जिनका सर्वाइवल जो है संकटग्रस्त हो चुका है, जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, उनकी एक सूची जारी की जाती है और संकटग्रस्तता की मात्रा के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। तो संकटग्रस्तता की मात्रा के आधार पर कैसे उसका वर्गीकरण किया जाता है उसकी चर्चा बाद में करता हूँ। यहाँ पर दो सूचनाएं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज है कि जो पब्लिकेशन है, जो बुक है, इसमें कुछ पेजेस पिंक पेजेस कहलाते हैं। पिंक पेजेस जो इस पब्लिकेशन में है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में चर्चा की गई। पिंक पेजेस में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज की चर्चा की गई होती है, ऐसी जो है प्रजातियों की चर्चा की गई होती है जो संकटग्रस्त होती है और आप कह सकते हैं जो है संकट की मात्रा उन पर काफी ज्यादा होती है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होती है। अनफॉर्चुनेटली धीमे धीमे इस पुस्तक में पिंक पेजेस की मात्रा बढ़ती जा रही है, जो ये बताता है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है संकटग्रस्तता की मात्रा भी बढ़ती चली जा रही है। तो एक तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि इस पुस्तक में ग्रीन पेजेस भी हैं, और ग्रीन पेजेस का प्रयोग किया जाता है उन प्रजातियों का प्रदर्शन करने के लिए जो पहले संकटग्रस्त थे, जो किसी तरीके से खतरे की स्थिति में थे, लेकिन विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप, विभिन्न प्रकार के संरक्षण जो प्रोग्राम होते हैं उनकी वजह से अभी माना जाता है कि इतनी ज्यादा मात्रा उनकी बढ़ चुकी है कि अब वो संकटग्रस्तता की श्रेणी से अलग हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली पिंक पेजेस बढ़ते चले जा रहे हैं और ग्रीन पेजेस जो हैं उनकी संख्या बहुत कम है। होना क्या चाहिए, उल्टा होना चाहिए, पिंक पेजेस की संख्या कम होनी चाहिए, ग्रीन पेजेस की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तभी ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया में विभिन्न सरकारों के द्वारा जो संरक्षण संबंधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो जो है बेहतर स्थिति में। यहाँ एक सूची दे रखी है जिस सूची में कह सकते हैं विभिन्न प्रजातियों के संदर्भ में सूचना। तो पृथ्वी के संदर्भ में जितनी भी प्रजातियां हैं उनका वैल्यूएशन किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन के आधार पर उनकी संकटग्रस्तता की श्रेणी का निर्धारण किया जाता है। तो अब आप देखिए कि पूरी प्रजातियों को दो मेजर भागों में बांटा जाता है। एक भाग होता है नॉट इवेल्युएटेड का, एक भाग होता है नॉट इवेल्युएटेड का। नॉट इवेल्युएटेड में ऐसी प्रजातियां आती हैं जिनका इवेल्युएशन नहीं किया गया है, जिनका मूल्यांकन किया ही नहीं गया। फिर कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनके मूल्यांकन के संदर्भ में आंकड़े जो प्रभावी मात्रा में आंकड़े जो है प्राप्त नहीं, यानी जितना आंकड़ा चाहिए उतने आंकड़े नहीं होते हैं, इनको डाटा डिफिशियंट कहा जाता है। ये डाटा डिफिशियंट है क्योंकि इनके संदर्भ में आंकड़े जरा कम है, दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ जिससे ज्यादा बेहतर ढंग से आप लोगों को दिखाई दे, और मुझे लगता है कि हाँ अब ज्यादा बेहतर पढ़ने आ रहा है। अगर आप इसको फुल स्क्रीन में कर लेंगे तो चीजें आपको ज्यादा बेहतर दिखाई भी देंगी। फुल स्क्रीन में कर लें अगर तो आपको दिखाई देगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो पहली कैटेगरी है नॉट इवेल्युएटेड की, जिसमें प्रजातियों के बारे में कोई वैल्यूएशन किया ही नहीं गया, उनका मूल्यांकन नहीं किया गया है। दूसरा है मूल्यांकन किया तो गया परंतु उनके संदर्भ में आंकड़ों की। अब जो आगे की जो आप सीरीज देख रहे हैं ये सात टोटल है। यहां पर अगर आप देखें तो ये यहां से लेकर के यहां तक सात श्रेणियां बनाएगी संकटग्रस्तता के आधार। और ये जो सात श्रेणियां हैं नीचे से ऊपर संकट की मात्रा बढ़ाती है। लीस्ट कंसर्न मतलब जिसके बारे में चिंतित होने की जरा भी आवश्यकता नहीं। नियर थ्रेटन जो आप कह सकते हैं संकटग्रस्तता की श्रेणी में पहुंचने वाले। संकटग्रस्तता की तीन श्रेणियां हैं, वल्नरेबल है मतलब भेद है, इंडेंजर्ड है संकटग्रस्त है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है मतलब बेहद संकटग्रस्त है।
नियर थ्रेटन का मतलब है लीस्ट कंसर्न का मतलब है जिसके ऊपर संकट की कोई भी आसन्न मात्रा नहीं है, इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे भारत में नील गाय है, लीस्ट कंसर्न है, बल्कि उल्टा कंसर्न हो रहा है। खेती किसानी में इतनी ज्यादा बाधा पैदा कर रहे हैं कि अब लोग ये समझने लगे हैं कि नील गाय जो है हमारे खेती बाड़ी के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब क्योंकि हिंदू गायों को जो है माँ समझते हैं और नील गाय के साथ गाय शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए सामान्य तौर पर उसको मार सकना संभव नहीं हो पाता। एक चीज यहाँ क्लियर कर लूँ कि नील गाय वास्तव में एक हिरन है, गाय प्रजाति का नहीं, तो हिरन प्रजाति का है, बस उसका नाम नील गाय। तो जिस तरीके से स्टार फिश के नाम के फिश होने के कारण वो फिश नहीं है, उसी तरीके से नील गाय के नाम के आगे गाय होने के कारण वो गाय नहीं है, है वो एक हिरन, बड़े प्रकार का हिरन होता है, लेकिन क्योंकि उसका नाम नील गाय है इसलिए उसकी कोई जो है शिकार उकार नहीं करता। और उसकी संख्या इतनी है कि लीस्ट कंसर्न, कोई कंसर्न ही नहीं। नियर थ्रेटन का मतलब हुआ है जो संकटग्रस्तता की बेहद निकट है, लेकिन अभी संकटग्रस्त हुआ नहीं। और फिर संकटग्रस्तता की ये तीन श्रेणियां यहाँ ऊपर देखिए, थ्री जेंडर कैटेगरीज की। वल्नरेबल का मतलब है भेद है, जो संकटग्रस्तता की श्रेणी में शामिल हो चुका है, अगर उसको संरक्षित करने के लिए प्रयास नहीं किया जाएगा तो संकटग्रस्तता की मात्रा बढ़ जाएगी। इंडेंजर्ड का मतलब है कि जो संकटग्रस्त है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब होता है बेहद संकट। ऊपर दो और श्रेणियां हैं, एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कोई प्रजाति जो पृथ्वी पर पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुकी है, या मॉरिशस में पाए जाने वाला डोडो जिसके ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है सिविल सेवा में, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड शब्द है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का आशय होता है किसी प्रजाति के सदस्य पृथ्वी के किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल पर समाप्त हो गए, या तो फिर उनको आप कह सकते हैं एक्स सी टू विधि से कहीं पाला जा रहा हो, या किसी रिमोट लोकेशन में कहीं पर थोड़ी बहुत मात्रा बची हुई। जैसे भारत में चीता एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, हालांकि ईरान में और अफ्रीका में पाया जाता है, तो क्योंकि उसके भौगोलिक जो ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्रफल है चीते का, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान से लेकर के ईरान, इराक और इधर आप कह सकते हैं अफ्रीका तक उसका क्षेत्रफल फैला हुआ था, और अब भारत में मिल ही नहीं रहा है, भारत में समाप्त हो चुका है। हालांकि ईरान में और अफ्रीका में अभी भी पाए जाते हैं, तो एक्सटिंक्ट तो नहीं है क्योंकि कुछ सदस्य अभी जीवित हैं, लेकिन दे आर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। तो ये IUCN की कैटेगरीज है। आगे IUCN की इन कैटेगरीज का जो कह सकते हैं जो मूल्यांकन किया गया है उसके संदर्भ में कौन से मानक है, किन मानकों के आधार पर IUCN का जो है कह सकते हैं जो है मानकीकृत किया गया है, और IUCN के इस मानक का प्रयोग कैसे किया जा रहा है, यानी उसके आधार क्या है, आगे इसके बारे में मुझे चर्चा करें। अरुण सिंह बताओ। तो अब रेड डेटा बुक के बारे में हमने, पिंक पेजेस के बारे में, ग्रीन पेजेस के बारे में चर्चा की। देखिए एक्सटेंट टैक्सॉन इज एक्सटेंट व्हेन देयर इज नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड। एक प्रजाति को पूरी तरीके से तब एक्सटेंट मानते हैं, तब आप कह सकते हैं उसको समाप्त मान लिया जाता है, जब कोई जो आप कह सकते हैं हमारे मन में कोई संदेह ना रह जाए जो अंतिम इंडिविजुअल है उस प्रजाति का, वो नष्ट हो चुका। और ये देखने के लिए क्या किया जाता है, जो उस प्रजाति का जो हैबिटेट है, जो उसका आवासीय क्षेत्र रहा है, जो ऐतिहासिक रूप से उसका जो है आवासीय क्षेत्र रहा है, उसका एक बहुत विस्तृत सर्वे करवाया जाता है। और उस समय सर्वे कराया जाता है जब उसके मिलने की संभावना सबसे ज्यादा, जैसे दिन में सर्वे करवाइए उन प्राणियों के लिए जो दिन में विचरते हैं, उन प्राणियों के लिए रात में सर्वे करवाइए जो रात में घूमते हैं, कोई प्राणी किसी सीजन विशेष में ज्यादा सक्रिय होता है उसकी खोज तभी करें, या वर्ष में कभी वो एक समय पर अगर सक्रिय हो, या भी समझिएगा कि ये जंतु और वनस्पति दोनों के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। कुछ प्लांट्स एक सीजन विशेष में ही उगते हैं, साल भर नहीं उगते हैं, साल में एक बार उगते हैं, कई साल में एक बार उगते हैं,
जो उस प्रजाति के लिए अप्रोप्रिएट टाइम हो, जिस पर वो ब्लूम करता हो, जिस पर उसके मिलने की संभावना होती है, उसके भौगोलिक क्षेत्रफल, जो ऐतिहासिक रूप से उसका भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसमें उसका सर्वे करना। एक्सटिवेशन एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का क्या असर होता है कि जंगलों में समाप्त हो चुका हो और उसको हम प्रोटेक्ट किए हैं, चाहे हम उसको पैदा कर रहे हों खेतों में, चाहे हम उसको चिड़ियाघरों में और वनस्पति उद्यानों में हमने उसको पाल रखा, या जो उसका एक बहुत विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल है जहां वो पाया जाता है, उसके किसी एक सीमित क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे हमने आपसे चर्चा किया कि चीता भारत में एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, हालांकि दुनिया में एक्सटिंक्ट नहीं। अब देखिए, हम लोगों ने दो कैटेगरीज की चर्चा कर ली, एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। अब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड से नॉट इवेल्युएटेड की ओर चलेंगे, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे संकटग्रस्तता की मात्रा कम होती चली जाएगी। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन से हैं? जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो आप कह सकते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, किन मानकों के आधार पर हम किसी प्रजाति को क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहें? क्राइटेरिया यह है कि अगर किसी प्रजाति की जनसंख्या की पिछले 10 साल में 90% अथवा इससे ज्यादा की कमी हुई, तो ये पहला क्राइटेरिया, यानी पिछले 10 साल में अगर किसी प्रजाति की जनसंख्या के 90% से ज्यादा भाग नष्ट हो चुका। दूसरा, पॉपुलेशन साइज, जो वयस्क है, मैच्योर इंडिविजुअल, मैच्योर इंडिविजुअल ऐसे इंडिविजुअल जो सेक्सुअली एक्टिव हो, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर किसी प्रजाति के वयस्क सदस्यों की, जो सेक्सुअली मेच्योर हैं, उनकी संख्या 50 से कम है, तो दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा, अगर हम इनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें, अगर हम इनका मात्रात्मक अध्ययन करें, और ये मात्रात्मक अध्ययन जो है एक संभावना प्रकट कर रही हो कि अगले 50 साल में, इस अगले जो अगले अगले 10 साल में, अगले 10 साल में ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो जाएंगे, यानी जिन जगहों पर पाए जा रहे हैं उनमें एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी किसी एक लोकेशन हो जाएंगे। हो सकता है कि आपने इसको चिड़ियाघर में, वनस्पति उद्यान में रख रखा हो, या किसी लोकेशन विशेष पर हो, लेकिन भौगोलिक क्षेत्रफल में 50% क्षेत्रों में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, 50% क्षेत्रों में, तो हम उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड मान। अब अगर वो 50, अगले 10 साल में वो अपने भूक्षेत्र के 50% भागों में एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो बाकी जगह पर हैं, तो इसलिए एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड नहीं है, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और ये बहुत ही हाई रिस्क, इसके ऊपर जो है एक्सटिंक्शन का सबसे ज्यादा खतरा मौजूद रहता है। भारत में कौन कौन से प्रजातियां ऐसी हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं? आगे हमने आपसे पहले ही कहा, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की जो जो वेबसाइट है, वहां से एक सूची निकाल कर मैं पढ़ा आपको बताऊंगा, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर भी ऐसी सूचियां पड़ी, तो कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि इस जगह से काफी क्वेश्चन आते रहे हैं, इस जगह से काफी क्वेश्चन आते रहे हैं, तो हम लोग की जो है इन सभी चीजों को आराम से देख लेंगे, आराम से इनको पढ़ेंगे, आज और कल में आराम से इत्मीनान से पढ़ा जाए। क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बाद फिर इंडेंजर्ड बेहद संकटग्रस्त के बाद संकटग्रस्तता की श्रेणी। देखिए, बेहद संकटग्रस्त में 90% आबादी खत्म हो चुकी थी, संकटग्रस्तता में अगर पॉपुलेशन साइज पिछले 10 साल में 70% नष्ट हो गई, 70%, तो ये संकटग्रस्त होने की एक आप कह सकते हैं कंडीशन हो सकती है। पॉपुलेशन साइज क्रिटिकली इंडेंजर्ड में 50, यानी वयस्क जो सदस्य थे उनकी संख्या 85, और यहाँ पर पॉपुलेशन साइज कितनी हो गई है, 250 से कम हो, यानी 50 से लेकर के 250 के बीच। फिर ये क्या था कि अगले 10 साल में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उसमें क्या था, अगले 10 साल में जो जनसंख्या है उसका लगभग 50% जो है एक्सटिंक्ट हो चुकने की संभावना होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, अगले 20 साल में अगर ऐसा महसूस किया जा रहा है कि 20% जो क्षेत्रफल है वहां पर जो जनसंख्या है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तो फिर ये इंडेंजर्ड घोषित करने के लिए पर्याप्त क्राइटेरिया हो। इनमें भी एक्सटिंक्शन का हाई रिस्क होता है। फिर वल्नरेबल है, वल्नरेबल
का मतलब होता है भेद्य। अब 90% 70% के बाद 50%, पिछले 10 साल में 90% अगर पॉपुलेशन रॉस हुआ है तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड 70% है, तो इंडेंजर्ड 50% अगर रॉस हो चुका है तो ये वल्नरेबल है। सेक्सुअली मेच्योर जो सदस्य थे, मेच्योर जो इंडिविजुअल थे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में कितने थे? 50 थे। इंडेंजर्ड में कितने थे? 250 से कम होने चाहिए, और यहाँ पर कितना है? 10,000, 10,000 से कम। चौथा चौथा जो है प्रोबेबिलिटी, संभावना क्या है? तो संभावना भी देखिए, अगले 100 सालों में 10% जो क्षेत्रफल है वहां पर एक्सटिंक्शन के अगर चांसेस हो तो हम इनको वल्नरेबल घोषित करते हैं। ये भी हाई रिस्क है, हालांकि उतना हाई नहीं जितना क्रिटिकली इंडेंजर और इंडेंजर्ड है, लेकिन अन्यों के सापेक्ष तो हाई है ये वल्नरेबल। फिर नियर थ्रेटेंड, अब अगर आप कहां तक पहुंच गए हैं? 50%। अगर पिछले 10 सालों में जो आबादी है उसमें 50% से कम की कमी हुई, 30% 20% के आसपास इस तरीके की कमी हुई होगी, तो हम इनको मतलब जनसंख्यात्मक रूप से उसका मान कम तो होना चाहिए, लेकिन अभी जो है इंडेंजर्ड होने और वल्नरेबल होने लायक जो है उसकी संख्या कम ना हुई हो तो हम उनको नियर थ्रेटेंड बोलते, यानी अपने भूभौतिक क्षेत्रफल में उनकी संख्या कम तो हुई हो लेकिन ऊपर के तीनों मानकों में से किसी भी एक मानक में फिट नहीं हो रहे हो, फिर भी संख्या में कुछ कमी देखी जा रही होगी, तो हमको नियर थ्रेटेंड उसको घोषित करना पड़ेगा। कहने का मतलब है संरक्षणकारी प्रयास नियर थ्रेटेंड के भी होने चाहिए, नहीं तो आगे चल करके तो वो वल्नरेबल इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाएंगे धीमे धीमे। जो नियर थ्रेटेंड होगा वल्नरेबल होगा, जो वल्नरेबल होगा अगर उसका संरक्षण नहीं किया जाएगा तो जो आप कह सकते हैं वो इंडेंजर्ड हो जाएगा, और जो इंडेंजर्ड होगा अपर्याप्त संरक्षण के अभाव में, संरक्षण के अभाव में पर्याप्त संरक्षण के अभाव में क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाएगा। लीस्ट कंसर्न का क्या मतलब हुआ? जिसमें जनसंख्या अभी बहुत ज्यादा हो, बहुत साइजेबल क्वांटिटी में कमी ना हुई। देखिए जैव विविधता धीमे धीमे कम हो रही है, लेकिन इतनी कम ना हुई हो कि कोई नोटिस लेने की जरूरत हो, तो लीस्ट कंसर्न। जैसे हमने नील गाय के बारे में कहा, बल्कि नील गाय में तो उल्टा हो रहा है, उसकी आबादी बढ़ती ही चल रही है। देखिए नील गाय, हाल के वर्षों में नील गाय की संख्या क्यों बढ़ती हुई दिख रही है? नील गायों की संख्या हाल के वर्षों में बढ़ती हुई क्यों दिख रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो घने जंगल हुआ करते थे पहले, आज से 50 साल 60 साल पहले तो काटे जा चुके हैं, और तब फिर जो नेचुरल प्रेडेटर जो बाघ और सिंह वगैरह, बाघ और चीते वगैरह इस क्षेत्र में टहलता करते थे, ये समाप्त हो गए हैं। नेचुरल प्रेडेटर कोई बचा नहीं है, नेचुरल प्रेडेटर बचा नहीं है। धार्मिक सांस्कृतिक कारणों के कारण लोग उनको मारने से परहेज करते हैं, तो जब कोई प्रेडेटर बचा ही नहीं नेचुरल, तो संख्या तो बढ़ती चली ही जाएगी, और यही सबसे बड़ी समस्या है। वास्तव में जो टॉप कार्निवोर होते हैं, टॉप कार्निवोर होते हैं जो उच्चतम मांसाहारी होते हैं, तो जनसंख्यात्मक रूप से पिरामिड को एक स्थिरता प्रदान करते हैं, और क्योंकि टॉप कार्निवोर इस क्षेत्र में खत्म हो चुके हैं इसलिए जनसंख्यात्मक रूप से उनका कोई नेचुरल कंट्रोलर नहीं रहा है, उनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं रहा है। और हमने कहा कि कुछ कारणों से उनको मारने से लोग परहेज कर, इसीलिए उनका संख्यात्मक मान बढ़ता चला। बिहार सरकार ने कुछ वर्ष पहले नील गायों को मारने के लिए जो है कह सकते हैं निविदाएं जो फ्लोट की थी, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि शिकारियों को बाहर से बुलाया गया था कि नील गायों को मार करके उनकी संख्या कंट्रोल करें, जिससे खेती करने वाले किसानों के लिए वो जो हम कह सकते हैं जो समस्या उत्पन्न हो रही थी वो समस्या को समाप्त कर। फिर डेटा डिफिशियंट है, पहले हमने कहा था एडिक्वेट डेटा है ही नहीं, तो जब एडिक्वेट डेटा, ये नहीं कह रहा हूं कि उसका सर्वे नहीं होता, सर्वे होता है, लेकिन
अभी आप कह सकते हैं उतना एडिक्वेट डेटा नहीं है कि हम कैटेगरी के लिए कुछ आप कह सकते हैं कुछ हम मानक तय कर सकते, इसलिए इनको डेटा डिफिशियंट है और नॉट इवेल्युएटेड। इसका मतलब है कि वास्तव में किसी प्रजाति के सदस्यों को अभी इवेल्युएट ही नहीं किया गया, उनका मूल्यांकन ही नहीं किया गया। तो ये रेड डेटा बुक और रेड डेटा बुक में जो विभाजन है उसके बारे में चर्चा है। कि बायोडायवर्सिटी का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर जो है इंडियन बायोडायवर्सिटी डाइवर्स लैंडस्केप पर, अगला चैप्टर इंडियन बायोडायवर्सिटी डाइवर्स लैंडस्केप पर है। और जब ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो उसके आगे जो चैप्टर है वो शेड्यूल एनिमल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल पर, अभी आप देखिए कि शेड्यूल के ऊपर पिछले ही बार क्वेश्चन आए हैं, शेड्यूल 6 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था अगर आपको याद हो तो। यहाँ पर उस शेड्यूल के बारे में, शेड्यूल 1 2 में क्या है, 3 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 क्या है, तो हम लोगों को इन दोनों चैप्टर चैप्टर 10 और चैप्टर 11 की भी चर्चा करनी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जैसा मैंने पहले कहा आते रहे हैं, इसमें से क्वेश्चंस आते रहे। तो क्योंकि क्वेश्चंस आते रहे हैं इसलिए हमारे और आपके लिए ये उपयोगी हो। बहरहाल आज मैं अगला चैप्टर जो 10वां चैप्टर है जो वाइल्ड लाइफ के संदर्भ में है, भारतीय वाइल्ड लाइफ के जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डाइवर्स लैंडस्केप है, कि भारत में जो आप कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ को लेकर के कितने रियाल्म्स हैं, पूरी दुनिया में वाइल्ड लाइफ को लेकर के, बायोडाइवर्सिटी को लेकर के 8 रियाल्म है, भारत में 2 रियाल्म, 5 4 रियाल्म है, और आप कह सकते हैं 8 8 रियाल्म है पूरी दुनिया में, जो बायोजोग्राफिकल रियाल्म है उनकी संख्या 8 है और भारत में इसमें 2 है, एक पैलियार्कटिक रियाल्म है और दूसरा इंडो मलायन रियाल्म। तो रियाल्म क्या होते हैं, बायोम क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा कल करेंगे। आज मैं एक दूसरी चीज जो मैंने डाउनलोड कर रखी है आपके लिए उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक इंट्रोडक्शन दे। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया, और कहाँ का है ये ब्रोशर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ये जो है आप कह सकते हैं पुस्तिका डाउनलोड की गई, ब्रोशर कुल 8 पेज की है और कई बार इससे सीधे क्वेश्चन आ गए। लिंक मैंने चैट बॉक्स में ऊपर शेयर कर, लिंक जो है ऊपर चैट बॉक्स में शेयर कर रखे हैं, दो लिंक शेयर की है, एक IUCN की है बुक पुस्तिका है और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है वेबसाइट से डाउनलोड है। पहले आज हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी यही बताया गया है, एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, थ्रेटन में क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, इसके बाद नियर थ्रेटन लीस्ट कंसर्न, और फिर क्या था, डेटा डिफिशियंट और नॉट इवेल्युएटेड। डेटा डिफिशियंट नॉट इवेल्युएटेड के बारे में कोई बात ही नहीं है। ये जो पुस्तिका है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड और वल्नरेबल और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड वगैरह जो जीवधारी हैं उनके बारे में चर्चा करती है, उनके बारे में ये चर्चा करती है। फिर आप कह सकते हैं कि IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट है उसके बारे में उन्होंने कुछ प्रारंभिक चर्चा की। बहरहाल पक्षियों में कौन कौन से पक्षी हैं जिनकी चर्चा इस पुस्तिका में की गई है, जर्डन कोर्सर है। जर्डन कोर्सर जो है ये आप कह सकते हैं एक रात्रिचर पक्षी है, नक्टर्नल का मतलब है रात्रिचर, नक्टर्नल का सीधा अर्थ होता है रात्रिचर, तो ये रात में निकलने वाला पक्षी है, ये रात में निकलता है और ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश पाई जाती है।
और बेहद खुले वनों में पाई जाती है, घने वनों में पाई जाती है, बेहद खुले वनों में पाई जाती है। 1968-1986 तक ये माना जाता था कि ये जो पक्षी है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन इसको आप कह सकते हैं दोबारा 1986 में खोजा गया। द स्पीशीज वॉज कंसिडर्ड टू बी एक्सटिंक्ट अंटिल इट वॉज रीडिस्कवर्ड इन 1986। 1986 तक इस स्पीशीज को एक्सटिंक्ट माना जाता था, माना गया था कि ये समाप्त हो चुकी। फिर इसको जो आप कह सकते हैं जो लंकमलेश्वर है, श्री लंकमेश्वर, वहां पर उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको संरक्षित किया। तो जॉर्डन कोर्सर जो है आप कह सकते हैं इसको पहले एक्सटिंक्ट माना गया था। एक चीज याद रखिएगा, हर ऐसा जीवधारी जिसे पहले कभी एक्सटिंक्ट माना गया हो और बाद में उसको फिर से खोज की गई हो, पुनः खोज की गई हो, जरूर क्वेश्चन बनते हैं। तो जॉर्डन कोर्सर पर इसीलिए क्वेश्चन बना था क्योंकि ये पहले मान लिया गया था कि ये एक्सटिंक्ट हो गया है और 1986 में उसको रीडिस्कवर किया। फिर फॉरेस्ट आउलेट है, फॉरेस्ट आउलेट, फॉरेस्ट आउलेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भी मान लिया गया था कि ये भी एक्सटिंक्ट है और 1997 में करीब 113 साल के बाद इसकी पुनः खेती, यानी 1997 से पहले कह सकते हैं कि माना जाता था कि 1884 में एक्सटिंक्ट हो गया, 1884। अच्छा, फॉरेस्ट आउलेट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी पुनः खोज के पीछे सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली का नाम है। सलीम अली आप लोगों को जानना चाहिए, अगर नहीं जानते हैं तो सलीम अली का नाम आप लोगों को जानना चाहिए कि भारत के सबसे बड़े जो है ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, पक्षी वैज्ञानिक। सलीम अली साहब जो है ये जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री है उसके साथ एसोसिएटेड थे और भारत के सबसे प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली थे। और माना गया था कि 1884 में, 1884 में फॉरेस्ट आउलेट समाप्त हो गया है। सलीम अली साहब का ये मानना था कि वास्तव में फॉरेस्ट आउलेट जो है समाप्त नहीं होगा और उन्होंने 1995 के आसपास जो है जंगलों के आसपास के इलाकों में जो है इस पक्षी की जो फोटो है उसको छपवाया अखबारों में और लोगों से अपील की कि इस पक्षी की खोज की जाए और तब ये दोबारा खोजी जा। तो ये फॉरेस्ट आउलेट सलीम अली साहब के नाम के साथ जुड़े होने के कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि सलीम अली का नाम तो आप लोगों को पक्का मालूम होना ही चाहिए, सलीम अली का नाम आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए। तो सलीम अली के कारण जो है, डॉक्टर सलीम अली जो फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट है, उनकी वजह से फॉरेस्ट आउलेट को दोबारा खोजा जा सकता। फिर वाइट बेलीड हेरॉन है, बेली का मतलब होता है पेट, ये सलेटी रंग की, ग्रे कलर की, जैसे सीमेंट के रंग वाली एक ये जो आप कह सकते हैं पक्षी है और इसका जो पेट है ये सफेद रंग का। ये असम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और म्यांमार आदि में पाई जाती है, ये बहुत ज्यादा रेयर है। ये नदियों के किनारे रहती है, नदियों के किनारे रहती है, वहां पर जो पथरीले इलाके होते हैं, जो बोल्डर्स वगैरह होते हैं वहां पर ही रहती है। और ये भी आप कह सकते हैं बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर बर्ड है, ये बहुत ज्यादा रेयर है। फिर ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया लाइन है, आउट ऑफ 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर पॉपुलेशन ऑफ 3 स्पीशीज व्हाइट बैक्ड वल्चर जिप्स बैंगलाइंसिस, सैंडर बेलीज वल्चर जिप्स ट्यूनोरोसेस्टिस, लॉन्ग बेलीड वल्चर जिप्स इंडिकस हैव डिक्लाइन बाय 99%।
भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां हैं, गिद्धों की 9 प्रजातियां हैं भारत में। उनमें से वाइट बैग्ड वल्चर, इसकी पीठ सफेद रंग की होती है, स्लेंडर बेलीड वल्चर, ऐसा वल्चर जिसका पेट जो है पतला होता है, पतला होता है, लॉन्ग बेलीड वल्चर जिसका पेट लंबा होता है, इनकी आबादी 99% तक कम हो चुकी है। और आपको मालूम ही है कि भारत में गिद्धों की आबादी के कम होने के पीछे मूल कारण क्या है, तो आपको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि डाइक्लोफेनाक सोडियम एक ऐसी दवा है जो दर्द निवारक है, जो कह सकते हैं एनाल्जेसिक है, और जो जो आप कह सकते हैं फीवर को रोकने का काम करती है। और इस एनाल्जेसिक और एंटी पायरेटिक ड्रग जो कि बहुत ही फेमस है, जिसको डाइक्लोफेनाक सोडियम कहा जाता है, पशुओं में एक लंबे समय तक इसका भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयोग होता रहा, और इसी की वजह से गिद्धों की आबादी में काफी कमी आई। तो डाइक्लोफेनाक सोडियम के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, गिद्धों के ऊपर भी क्वेश्चन आ ही चुका है, और आप लोग इस चीज को जानते ही हैं, ये चीज आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। तो ये देखिए कि जो विनयपाल अंजिका मिश्रा, गुड इवनिंग, वेलकम। तो आप देखिए कि ये जो है डायरेक्ट जो है ये डाइक्लोफेनाक सोडियम के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, और दूसरी चीज अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो वल्चर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ ही चुका है। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा है, ए मेजर थ्रेट टू वल्चर इज द यूज ऑफ पेन किलर डाइक्लोफेनाक फॉर वेटरनरी पर्पसेस, यानी पशुओं की चिकित्सा करने के लिए जो डाइक्लोफेनाक सोडियम का इस्तेमाल डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता रहा है, उसी के कारण हिंदुस्तान में गिद्धों की आबादी, हिंदुस्तान क्या पूरे जो आप कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें गिद्धों की आबादी में 99% तक कमी आ गई। फिर अगला है बंगाल फ्लोरिकन, ये नाम से ही जाहिर है कि ये जो आप कह सकते हैं जो है बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता होगा, कि उत्तर प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, नेपाल, कंबोडिया आदि के क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये यूजली जो है आप कह सकते हैं घास के मैदानों में पाई जाती है, घास के मैदानों में अक्सर ही पाई जाती है। देखिए लिखा है इज ए रेयर बस्टर्ड स्पीशीज, अभी आगे कहीं ग्रेट बस्टर्ड की चर्चा आ जाएगी जो राजस्थान के क्षेत्र में, ये जो बस्टर्ड स्पीशीज है ये ग्रासलैंड में पाई जाती हैं, ये अक्सर जो आप कह सकते हैं जो है वो घास के मैदानों में रहती। फिर अगला अगर हम लोग देखें तो मैमल्स हैं, पिग्मी हॉग का मतलब होता है बोनासोर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, पिग्मी हॉग असम के क्षेत्र में पाया जाने वाला बोनासोर है, इसका जो मेल होता है उसका कुल आप कह सकते हैं भार 8 किलोग्राम के आसपास होता है, और ये साल भर अपने लिए घर बनाते रहते हैं और आप कह सकते हैं उसमें रहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, हम लोगों ने पहले ही चर्चा की है, असम के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये देखें इन 1996 ए कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम ऑफ द स्पीशीज वाज इनिशिएटेड इन असम एंड सम हॉग्स हैव बीन री इंट्रोड्यूस्ड इन सोनाई रूपारी एरिया इन ऑल्सो इन 2009। तो ये इनके बारे में भी माना जाता था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये दुनिया के सबसे छोटे जंगली सुअर हैं, दुनिया के सबसे छोटे जंगली सुअर हैं, प्रारंभ में इनको माना गया था ये जो बौने जंगली सुअर हैं ये एक्सटिंक्ट हो गए, और बाद में ये आप कह सकते हैं जो और कह सकते हैं जो पिग्मी हॉग है इनकी पुनः खोज की गई 1996 में, इनको बकायदे जो है कह सकते हैं सरकारी तौर पर इनको पालना शुरू किया गया,
और जब इनकी संख्या बढ़ी तो 2009 में सुनाई रुपाई एरिया में इनको जो है फिर से इंट्रोड्यूस किया गया। फिर रेप्टाइल्स, घड़ियाल। घड़ियाल जो है वास्तव में मगरमच्छ की एक वैरायटी है। मगरमच्छ का मुंह चौड़ा होता है, घड़ियाल का जो मुंह होता है वो पतला होता है। कल परसों किसी लेक्चर में हमने कहा था घड़ियाल के बारे में, एक बार और चर्चा आई थी इसी शंकर आई इसको प्रोसेस में घड़ियाल की चर्चा आई थी, हमने कहा था इसका मुंह पतला होता है और ये फिश ईटर्स है। तो देखिए क्या लिखा है, रिवर डवेलिंग फिश ईटर, यानी नदियों में पाए जाने वाले ये फिश ईटर है। यूजली जो घड़ियाल होते हैं ये आदमियों पर हमला नहीं करते, यूजली नहीं करते लेकिन कर भी सकते। और भारत में जो गंगा वगैरह की जो गंगा नदी है उसमें ये विशेष रूप से जो है ये घड़ियाल पाए जाते हैं, घड़ियाल। और गंगा नदी में गंगा डॉल्फिन भी पाई जाती है, ये आपको मालूम है। बहरहाल गंगा डॉल्फिन के बारे में जो कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव है अभी आगे कहीं चर्चा हो जाएगी। तो ये जो गंगा में जो घड़ियाल पाए जाते हैं, चंबल की सेंचुरी में भी पाए जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह के क्षेत्र में पाए जाते हैं, सोन, गंडक, हुगली, घाघरा वगैरह जो नदियां हैं इनमें भी पाए जाते हैं। फिर लेदर बक टर्टल्स हैं, समुद्र में पाए जाने वाले जो सबसे बड़े जो मगरमच्छ, जो सबसे बड़े कछुए होते हैं उसमें लेदर बक टर्टल आते हैं। और आप कह सकते हैं कि ये 900 किलोग्राम तक होते हैं लेदर बक टर्टल। ये एक दिन में 50-60 किलोमीटर तक तैर सकते हैं और 1,500 किलोमीटर तक की, 15,000 किलोमीटर तक की एक के बार में यात्रा कर सकते हैं। समुद्री कछुओं का जो सर्वप्रिय आहार होता है सभी समुद्री कछुओं का, वो जेली फिश होता है, जेली फिश। फिर अगला कौन है, फोर टोड रिवर टेरेपिन। जो टेरेपिन है ये भी एक तरीके का कछुआ होता है, रिवर टेरेपिन। और ये आप कह सकते हैं ये बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये देखिए, इज ए क्रिटिकली इंडेंजर्ड टर्टल। इसके मुंह को देखिए, बड़ा नुकीला चोंचदार मुंह होता है इसका। फिर ग्लाइडिंग फ्रॉग, ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, पश्चिमी घाट, केवल और केवल पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है। और इस प्रजाति की खोज जो है वर्ष 2000 में, वर्ष 2000। ये अनामलाई हिल के क्षेत्र में पाए जाने वाले जो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है वहां पर पाए जाते हैं। और केवल क्योंकि पश्चिमी घाट में ही पाए जाते हैं तो वहीं के एंडेमिक है, उसी जगह के मूल निवासी के रूप में इनको पहचाना जाता है। फिर निकोबार ट्री श्रू, हॉकबिल टर्टल, रेड क्राउन रूफ टर्टल और स्कोबिल लैपविंग, इन जंतुओं की भी यहाँ पर फोटोग्राफ थी। फिर देखिए बर्ड में हिमालयन कोयल, पिंक हेडेड डक, साइबेरियन क्रेन, फिर स्कोबिल लैपविंग, अभी ऊपर देखा आपने स्पून स्पिल्ड सैंड पाइपर। मैमल्स में अमान व्हाइट टूथ श्रू, जेंकिनी श्रू, निकोबार श्रू, श्रू मतलब एक तरीके के छछूंदर, लार्ज रॉक रैट, मालाबार सिवेट, नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल एक तरीके की उड़ने वाली गिलहरी जो उड़ती नहीं है, आपको लगता है उड़ती है लेकिन छलांग मारती। फिर नाइफ टूथ सॉफिश, गंगा शार्क, पॉन्डिचेरी शार्क, लार्ज टूथ सॉफिश, डेकन लेबियो, ये सारी मछलियों की प्रजाति है। हॉकबिल टर्टल, रेड क्राउन रूफ टर्टल, ये जो आप कह सकते हैं रेप्टाइल्स में जो कछुओं की प्रजाति है और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है भारत की, भारत की क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की जो पुस्तिका है उसमें इतने प्रकार की जो कह सकते हैं जो जानकारी दी गई है, इतने प्रकार की जानकारी।
लेकिन कुछ और ब्रोशर्स हैं, कुछ और इंफॉर्मेशन है, उन ब्रोशर्स और उन इंफॉर्मेशन जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी उनके साथ हम लोग कल मिलेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने दोस्तों को बताएं कि क्लासेस रेगुलर बेसिस पर स्टार्ट हो गई हैं और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकते हैं। फिलहाल कल तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, थैंक यू एंड गुड नाइट।